हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इनफाइनाइट सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। देखिए लास्ट दो वीडियो और हम बना चुके हैं इनफाइनाइट सीरीज पर बेस्ड, जिनमें कि हमने ऑक्सिलरी सीरीज टेस्ट, कंपेरियन टेस्ट, कॉची रूट टेस्ट और एक क्वेश्चन हमने कराया था। सेकेंड वीडियो जो है हमारी इनफाइनाइट सीरीज पर, जो कि था हमारा डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट पर बेस्ड। इस वीडियो में हम डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि यदि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट पर बेस्ड, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम केवल डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट ही अप्लाई करेंगे, अदर टेस्ट भी हमें अप्लाई करना पड़ सकता है जब हमारा डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा। तो एक बार पहले थोड़ा सा हम रिकॉल कर ले रहे हैं डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट को। डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट हमारा क्या कहता है, डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट, डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट में क्या है कि हम सीरीज यूएन को हम चेक करते हैं कि ये हमारी कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट। यहां पर हमें एनथ टर्म हमें गिवन होता है सीरीज का, राइट। तो हम पहले फाइंड करते हैं यूएन अपॉन यूएन प्लस वन। अगर मान लीजिए इसका लिमिट आपको एल मिल जाता है, एन टेंस टू इंफिनिटी पर कितना मिल जाता है एल, और एल आपका ग्रेटर देन वन है तो सीरीज आपकी हो जाएगी कन्वर्जेंट। यदि यदि आपका एल लेस देन वन आता है तो ये हो जाएगा डाइवर्जेंट, और यदि आपका L 1 आता है इसका मीनिंग क्या है, टेस्ट हो जाएगा हमारा फेल, राइट। इस प्रकार हम सॉल्व करेंगे, राइट। देखिए अब हमें यहां पर ये यू एन हमें गिवन है, क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस द सीरीज हुज nth टर्म आर, nth टर्म हमें गिवन है 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 3 की पावर n माइनस 1। देखिए यहां जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो हमने क्वेश्चन लिए कृष्णा प्रकाशन की बुक से, राइट। तो यू एन हमें गिवन है और यू एन है हमारा 2 की पावर n माइनस वन अपॉन थ्री की पावर एन माइनस वन, राइट। तो हमें यू एन प्लस वन निकालना होगा। यू एन प्लस वन कैसे निकालेंगे, हम एन को एन प्लस वन से रिप्लेस कर देंगे, राइट। तो यू एन प्लस वन हमको मिल जाएगा टू की पावर एन प्लस वन माइनस वन अपॉन थ्री की पावर एन प्लस वन माइनस वन। यू एन अपॉन यू एन प्लस वन का वैल्यू फाइंड कर ले रहे हैं, तो यू एन अपॉन यू एन प्लस वन हमें मिल जाएगा टू की पावर एन माइनस वन अपॉन थ्री की पावर एन माइनस वन इंटू, ये हमारा ऊपर जाएगा भाई। रेसिप्रोकल व्युत्क्रम करेंगे और मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, क्योंकि हम यू एन अपॉन यू एन प्लस वन निकालना है। तो इस प्रकार हम इसको फाइंड कर लेंगे, राइट। ये टेस्ट आपने समझ लिया है, इस टेस्ट को थोड़ा सा रफ कर देते हैं, राइट। इसको आप याद रखेंगे, टेस्ट को थोड़ा सा स्पेस कम है, राइट। अब देखिए इसका लिमिट हम किस प्रकार फाइंड करेंगे, सबसे मैंने क्या हमें लिमिट फाइंड करना आना चाहिए। इसका लिमिट हम किस प्रकार फाइंड करेंगे, लिमिट अब हम लेंगे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा टू की पावर एन, हम यहां से कॉमन ले लेंगे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। देखिए टू की पावर एन तो कॉमन लेंगे यहां से, सॉल्व करना है तो इसका यही एक मेथड है, और यहां से हम कॉमन लेंगे थ्री की पावर एन प्लस वन, तो ये हमको मिल जाएगा वन माइनस वन अपॉन थ्री की पावर एन प्लस वन अपॉन में हमको मिल जाएगा, यहां से थ्री की पावर एन कॉमन लेंगे तो वन माइनस वन अपॉन थ्री की पावर एन, यहां से कॉमन लेंगे टू की पावर एन प्लस वन, तो ये हमको मिल जाएगा वन माइनस वन अपॉन टू की पावर एन प्लस वन, राइट। देखिए एक पॉइंट मैं आपको बता दूं कि कोई भी नंबर ग्रेटर देन वन है, कोई भी नंबर ग्रेटर देन वन है, अगर आप उसकी लिमिट लेते हैं एन टेंस टू इन्फिनिटी भाई, टू की पावर एन एन टेंस टू इन्फिनिटी तो ये हमको मिलेगा इन्फिनिटी, और यदि टू की पावर वन अपॉन टू की पावर एन है और लिमिट है एन टेंस टू इन्फिनिटी तो ये आपका हो जाएगा जीरो, कितना हो जाएगा जीरो, ये हमें थोड़ा सा याद रखना होगा, ये कितना हो जाएगा हमारा जीरो, राइट। तो ये जो नंबर है हमारे, देखो ये वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, इसका वैल्यू हमें कितना मिलेगा, वन माइनस जीरो, वन माइनस जीरो, वन माइनस जीरो और वन माइनस जीरो, ये सब हमारे वन माइनस जीरो मीन्स वन हो जाएंगे, राइट। साथ साथ हम क्या देख रहे हैं, टू की पावर एन यहां से कैंसिल हो गया और थ्री की पावर एन ये कैंसिल हो गया, तो यहां से हमको मिल जाएगा न्यूमरेटर में अंश में हमको मिल जाएगा थ्री, लिमिट हमने रख दिया, और डिनोमिनेटर मीन्स हर में हमको मिल जाएगा टू, ये वन माइनस जीरो मीन्स वन, ये भी हमारा कितना हो गया वन अपॉन वन इंटू वन मीन्स हमको मिल गया थ्री बाई टू, और थ्री बाई टू कैसा है हमारा ग्रेटर देन वन है, इसका मीनिंग क्या, वाई डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट से 3 बाई टू इज ग्रेटर देन वन, देयरफॉर वाई डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट
रेशियो टेस्ट सीरीज UN, जिसका nth टर्म को nth टर्म हमको गिवन है 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 3 की पावर n माइनस 1, ये हमारा कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट हमारा हो जाएगा, इज कन्वर्जेंट। अब देखिए, एक मैं यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण बिंदु और मैं बताने वाला हूँ, इस महत्वपूर्ण कंसेप्ट को आप याद रखेंगे, इसकी हेल्प से क्या होगा, कुछ क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर पाते हैं, कुछ को केवल, ये हमें समझना राइट। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर कि अगर मान लीजिए, देखिए यहाँ पर दो मेन पॉइंट हमारे, अगर मान लीजिए लिमिट ऑफ यू एन निकालते हैं आप, समझ लेना, ये तो हमने डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट से किया है, अगर आप लिमिट ऑफ यू एन निकालते हैं और ये आपका था जीरो राइट, तो आपका जो सीरीज है यू एन वो कन्वर्जेंट हो सकता है और नहीं भी, अगर लिमिट ऑफ यू एन जीरो आता है तो कन्वर्जेंट हो सकता है और नहीं भी हो सकता, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, पहला बिंदु। दूसरा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर यू एन अगर आपका नॉन जीरो आता है, कैसा आता है, नॉन जीरो, फाइनाइट आता है, नॉन जीरो आता है लेकिन फाइनाइट कोई 1 2 3 4 कुछ भी मिलता है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारा जो सीरीज यू एन होगा, इस केस में सीरीज यू एन डाइवर्जेंट होगा। तो हम क्या करते हैं कभी कभी कि हम डायरेक्ट पहले यू एन का लिमिट निकाल के देख लेते हैं, अगर वो नॉन जीरो आया तो डाइवर्जेंट, अगर निकाल सकते हैं तो वहां पर, निकाल सकते हैं तो वहां पर राइट, अगर जीरो आ गया तो कन्वर्जेंट हो सकता है और नहीं भी हो सकता, हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इसके लिए जरा चेक कर लेते हैं, देखिए ये कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट है ना, तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारा यू एन कैसा आ रहा है। ये केवल तब काम देता है हमको जब नॉन जीरो आता है, जब नॉन जीरो आएगा तो सीधा हम वहां लिख देते हैं डाइवर्जेंट, तो एक मिनट का काम होता है, एक मिनट के अंदर निकाल लेते हैं, यहाँ से टू कॉमन ले लेंगे भाई, इसका तो लिमिट लेना है, ये तो हमारा यू एन है, यू एन क्या हमारा, यू एन हमारा 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 3 की पावर n माइनस 1, लिमिट लेंगे आप, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यू एन मीन्स लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर राइट, ये हमको मिल जाएगा 2 की पावर n को ले लेंगे 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n, और ये हमको मिल जाएगा 3 की पावर n कॉमन ले लेंगे 1 माइनस 1 अपॉन 3 की पावर n, तो ये तो हमारा 1 हो गया, 1 माइनस 0, ये भी 1 माइनस 0, तो हमें मिल जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और 2 अपॉन 3 को ले लेंगे 2 अपॉन 3 की होल पावर n, तो लेस देन 1 है तो ये हमें 0 मिलेगा राइट, तो 0 मिल गया, तो हमारा कन्वर्जेंट हो सकता था या फिर डाइवर्जेंट होता, हम इसके बारे में जब 0 आएगा तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन लेकिन अगर ये तो तीन बिंदु हैं, इसमें तीन बिंदु हैं, यहां पर क्या होता, कन्वर्जेंट भी हो सकता है और डाइवर्जेंट, तीन बिंदुओं को इंपोर्टेंट बिंदु हैं ये, आपको इस प्रकार से मिल सकते हैं, लिमिट ऑफ यू एन जीरो, कन्वर्जेंट हो सकता है या फिर डाइवर्जेंट, कुछ नहीं कह सकते, वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट द सीरीज यू एन कि वो कन्वर्जेंट होगा या फिर डाइवर्जेंट होगा, लेकिन लिमिट ऑफ यू एन नॉन जीरो है तो हम 100% कह सकते हैं कि वो डाइवर्जेंट होगा। एक तीसरा केस हो रहा है, तीसरे को समझ लीजिए कि अगर हमारा यू एन कन्वर्जेंट है, कैसा है, कन्वर्जेंट, तो लिमिट ऑफ यू एन हमारा 100% जीरो होगा। देखो कन्वर्जेंट है तो ये 100% होगा, लेकिन ऐसा है तो कुछ नहीं कह सकते, कन्वर्जेंट हो सकते हैं डाइवर्जेंट, लेकिन अगर नॉन जीरो है तो डाइवर्जेंट होगा। इन तीन बिंदुओं को समझ लीजिए, ये बड़े ही महत्वपूर्ण बिंदु है, तीन बिंदु ये आपको मिल सकते हैं। थोड़ा सा इसे और दिखा दें, ये देखिए डाइवर्जेंट वाले को देख लीजिए, इसमें आपको समझना क्या, मैं आपको दिखा दूं कि अगर आपका सीरीज यू एन कन्वर्जेंट है तो 100% लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर यू एन जीरो होगा। पहला बात, पहला बिंदु, फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, ये वाला। सेकेंड क्या है कि लिमिट ऑफ यू एन जीरो है तो कन्वर्जेंट भी हो सकता है, डाइवर्जेंट होगा, फिर दो ही तो होगा, कोई दो ही होगा कोई एक, है ना, और यदि लिमिट ऑफ यू एन नॉन जीरो है तो हमारा 100% डाइवर्जेंट होगा। तो हम कभी कभी करते क्या है कि लिमिट ऑफ यू एन एक बार निकाल के देख लेते हैं, अगर निकाल सकते हैं तो वहां पर, अगर वो नॉन जीरो आ गया तो क्या होता है कि ये इस चीज की गारंटी देती है, इस चीज की गारंटी हमें देता है कि हमारी जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट होगा राइट। एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं लेने वाला हूं जिसको हम दो तरीके से हम सॉल्व करेंगे, इस पर बेस्ड राइट। देखिए इसको मैं रफ करने जा रहा हूं, देखिए स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, बड़ा ही अच्छा हमारा ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा और गजब का हमारा क्वेश्चन है। देखिए समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है।
हमें बताना है टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज हुज एनेक्ट्रम, एनेक्ट्रम हमको गिवन है टेन इनवर्स वन अपॉन एन। अब ये इस क्वेश्चन को हम कई प्रकार से हम कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला क्या है, हम चेक करेंगे यू वन हमें गिवन है टेन इनवर्स वन अपॉन एन, राइट। तो पहला मेथड क्या है, मेथड वन है ये हमारा, समझ लीजिए अच्छा है हमारा ये क्वेश्चन। तो अगर हम लिमिट ऑफ यू एन निकालते हैं, क्या लिमिट ऑफ यू एन, तो हम कैसे निकालेंगे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी टेन इनवर्स वन बाई एन, राइट। तो ये कितना मिल जाएगा हमको भाई, ये हमको मिल जाएगा टेन इनवर्स वन अपॉन एन इज इक्वल टू मिल जाएगा टेन, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो टेन इनवर्स वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो, तो ये तो जीरो आ गया। चलिए कोई बात नहीं, ये जीरो आ गया है, हम सोच रहे थे कि नॉन जीरो आएगा, कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को लेंगे जिसमें कि हमारा इससे ही डाइवर्जेंट शो करना होता है, किससे, लिमिट ऑफ यू एन से, लिमिट ऑफ यू एन की हेल्प से। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए लिमिट ऑफ यू एन अगर हमारा नॉन जीरो आता है तो, है ना। लेकिन ये मेथड हमारा फेल हो गया, इसका मीनिंग क्या है, इस मेथड में, इसमें केवल एक ही मेथड हमारा अप्लाई हुआ, राइट। कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें कि हमारा जो है हमें ये चेक करना होता है कि लिमिट ऑफ यू एन अगर हमारा नॉन जीरो आ गया तो डाइवर्जेंट होता है, लेकिन ये तो जीरो आ गया, कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन है उसको हम लेंगे। देखिए अब हम क्या करेंगे, ये इससे तो होने नहीं वाला, लिमिट ऑफ यू एन जीरो आ गया, इसका मीनिंग क्या है कि हमारी जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट भी हो सकती है या फिर डाइवर्जेंट हो सकती है। अभी जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया था, कन्वर्जेंट भी हो सकती है या फिर डाइवर्जेंट हो सकती है। अगर ये इससे नहीं हो रहा तो फिर हम किसे करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस वन अपॉन थ्री एक्स क्यू प्लस वन अपॉन फाइव एक्स टू पावर फाइव, ये हमारा फॉर्मूला है, राइट। इसको आप याद रखेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे क्या कंपेरियन टेस्ट। अगर आप डीएलएमबर्ट रेशियो टेस्ट लगाएंगे, देखिए डीएलएमबर्ट रेशियो टेस्ट में आपको लगा के दिखा दे रहा हूँ पहले, हम फिर इसमें हमें कंपेरियन टेस्ट को ही अप्लाई करना ही होगा, ये हमारी मजबूरी बन जाएगी। पहले हम देखो दिखा दे रहे हैं, यू एन कितना हमारा, यू एन देखिए हमारा ये रहा, तो यू एन प्लस वन निकालना होगा, तो यू एन प्लस वन निकालेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, टेन इनवर्स वन अपॉन एन प्लस वन, राइट। अगर आप निकालते हैं यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, तो ये कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा टेन इनवर्स एक्स वन अपॉन एन अपॉन टेन इनवर्स वन अपॉन एन प्लस वन, राइट। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे भाई, अगर आप इसका लिमिट लेते हैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि टेन इनवर्स वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो, टेन जीरो बन गया और टेन इनवर्स जीरो जीरो, और यहाँ पर कितना है टेन इनवर्स वन अपॉन इन्फिनिटी, मतलब टेन इनवर्स जीरो, ये जीरो बाई जीरो फॉर्म बन गई। तो हम इसको इतनी आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप इसको, राइट। तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए समझ लीजिए, यहाँ पर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, राइट, यहाँ पर हमने वन बाई एन से डिवाइड कर दिया मल्टीप्लाई, और वन अपॉन एन से हमने कर दिया डिवाइड, राइट। और इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, राइट। और सेम हमने यहाँ किया वन अपॉन एन प्लस वन, और यहाँ पर भी टेन इनवर्स वन अपॉन एन प्लस वन से मल्टीप्लाई, और वन अपॉन एन प्लस वन से डिवाइड हमने कर दिया। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स कितना होता है हमारा वन, ये दिख रहा है आपको, एक मिनट देख लीजिए आप, हाँ क्लियर नहीं दिख रहा है, एक मिनट इसको हम यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सा इधर रख देते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पर टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स तो होता है वन, लेकिन यहाँ तो लिमिट इन्फिनिटी है। अब इसको ही समझ लीजिए थोड़ा सा, अगर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगी तो हम यहाँ पर फॉर्म, हमारा ये फॉर्मूला बनता है टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स अपॉन वन अपॉन एक्स, ये भी हमारा कितना होता है, ये भी हमारा वन होता है। इसको आपको याद रखना होगा कि जब लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है तो ये वन अपॉन एक्स हो जाएगा, मतलब इनडायरेक्टली हमारा ये जीरो जीरो फॉर्म बनना है। देखिए जब इन्फिनिटी होंगे तो जीरो, और ये भी हमारा क्या जीरो, तो ये हमें ध्यान रखना है, जब इन्फिनिटी होगा तो वन बाई वन अपॉन एक्स, तो ये हमारा कितना हो गया, ये भी हमारा वन, और ये भी हमारा क्या हो गया वन, राइट। तो ये हमको मिल जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, तो एन प्लस वन अपॉन एन, एन प्लस वन अपॉन एन, यहाँ से ऊपर से एन को हम ले लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा वन प्लस वन अपॉन एन, मतलब वन आ गया। इसका मीनिंग क्या है कि हमारा डीएलएमबर्ट रेशियो टेस्ट
फेल हो गया। अब यही हमने बोला था कि जब हमारा डीएलएमबर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा तो हम केवल डीएलएमबर्ट रेशियो टेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसका मीनिंग क्या है? टेस्ट हो गया हमारा क्या? फेल। और ये भी हमको चेक करने में हेल्प नहीं कर पाया, कौन सा? लिमिट ऑफ यूएन। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर अपने फर्स्ट वाले मेथड पर, फर्स्ट वाला कौन सा था, कंपेरियन टेस्ट पर वापस जाएंगे और इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। समझ लीजिए ये हमें याद रखना होता है, हम तो सीधा यहां पर जाने वाले थे, हमने ये फिर भी अप्लाई करके दिखा दिया कि डीएलएमबर्ट रेशियो टेस्ट आपका फेल हो सकता है। ये फेल हो गया, यूएन अपॉन यूएन प्लस वन निकाला, राइट। अब देखिए टेस्ट फेल हो गया, अब इस फॉर्मूले से हमें इसका वैल्यू कितना मिलेगा, ये हमारा यूएन है तो ये मिल जाएगा 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन 3 एन का क्यूब 1 अपॉन एन का क्यूब प्लस 1 अपॉन 5 1 अपॉन एन टू द पावर 5। अगर हम यहां पर ये चूज कर लेते हैं कि vn हमारा 1 अपॉन n है तो हम un अपॉन bn निकालेंगे, पर यही तो हमारा कंपेरियन टेस्ट है, तो हमें क्या मिलेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर हम un अपॉन bn निकालेंगे। तो यहां से 1 अपॉन bn को 1 अपॉन n कॉमन ले लेंगे, जब हम यहां से 1 अपॉन n कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए यहां से हम 1 अपॉन n कॉमन लिया तो हमें मिलेगा 1 माइनस 1 अपॉन 3 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 1 अपॉन n टू द पावर 4 अपॉन 1 अपॉन n, राइट। तो ये हमारा कैंसिल हो गया और जैसे हम लिमिट रखेंगे तो 1 हमें मिल गया। कंपेरियन टेस्ट में क्या है कि un अपॉन vn ये तो हम चूज कर दिए हैं अपनी तरफ से, ये आपको चूज करना होता, मानना होता है, इस प्रकार मानना होता है कि un अपॉन vn इसका जो लिमिट है वो फाइनाइट आ जाए एंड नॉन जीरो हमको मिल जाए, फाइनाइट एंड नॉन जीरो। तो जो कि हमको मिल गया फाइनाइट मिल गया नॉन जीरो मिल गया। तो अब जो कंपेरियन टेस्ट में क्या होता है कि vn, vn हमें बताएगा कि हमारा जो सीरीज un है वो कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट। अब हमारा vn क्या है भाई, bn है हमारा सिग्मा vn बराबर 1 अपॉन सिग्मा 1 अपॉन n। तो हमारा हमें यहां पर ऑक्सिलरी सीरीज टेस्ट और लगाना पड़ेगा। ऑक्सिलरी सीरीज टेस्ट क्या है हमारा कि 1 अपॉन n की पावर p, तो p कितना हमारा यहां पर 1, और p जब 1 होता है ऑक्सिलरी सीरीज टेस्ट क्या होता है, अगर हमारी सीरीज इस फॉर्म में है तो p बड़ा है 1 से तो c मतलब कन्वर्जेंट, और p लेस देन इक्वल टू 1 है इसका मीनिंग डाइवर्जेंट। इसका मीनिंग क्या, vn हमारा डाइवर्जेंट हो गया, vn कैसा हो गया डाइवर्जेंट, और vn डाइवर्जेंट तो हमारा un भी कैसा हो गया डाइवर्जेंट। इस प्रकार हमें सॉल्व करना होगा इस क्वेश्चन को। अगर आप हमारी तीनों वीडियो देखेंगे तब आपको क्लियर समझ में आएगा। देखिए अभी मैं वाला क्वेश्चन लेने वाला हूं जिसमें हम जो है, देखो एक तो ये मेथड हो गया, एक तो ये मेथड हो गया ना, अब नेक्स्ट हमारा मेथड कौन सा इसको भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए कौन सा अभी मैं बताने वाला हूँ, एक तो ये हो गया लेकिन इससे हुआ नहीं, यूएन वाले से एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें हमारा यूएन नॉन जीरो आएगा, और यूएन नॉन जीरो इसका मीनिंग क्या है कि हमारा जो सीरीज होगा वो डाइवर्जेंट हो जाएगा ऑटोमेटिक, अपने आप ही डाइवर्जेंट हो जाता है, ये हमें समझना होता है, राइट। इसको हम रखने जा रहे हैं, तो ये हमारा सीरीज कैसा हो गया, डाइवर्जेंट हो गया हमारा। देखिए स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, देखिए ये है वो क्वेश्चन जिसकी हम बात कर रहे थे, आखिरकार इसको हम किस प्रकार चेक करेंगे। देखिए हमें यूएन हमें गिवन है, यूएन कितना हमारा कॉस इनवर्स 1 अपॉन एन, राइट। तो हम पहले इसका लिमिट निकाल लेंगे, लिमिट हमने क्यों निकालते थे, यही आपको मैं समझाना चाह रहा था। लास्ट क्वेश्चन हमारा उसमें जीरो बन गया, हम देख नहीं पाए ध्यान से, कॉस इनवर्स 1 बाई एन, राइट। अब जैसे आप यहाँ पर इन्फिनिटी रहेंगे भाई इसमें क्या, एक मिनट लगेगा आपको, जो ये सब पुट करने की जरूरत नहीं है, वो तो हम सीधा डायरेक्ट देख लेते हैं ओरली। लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी 1 अपॉन इनफिनिटी 0, इसका मीनिंग क्या, ये हो गया कॉस इनवर्स 0, और कॉस इनवर्स 0 कितना होता है हमारा भाई, कॉस इनवर्स 0 होता है हमारा पाई बाई 2, भाई कॉस पाई बाई 2 वैल्यू 0 होती है। इसका मीनिंग क्या, लिमिट ऑफ यू एन हमारा नॉन जीरो आ गया। इसका मीनिंग क्या है कि ये हमारा 100% डाइवर्जेंट होगा, ये हम समझाने वाले थे। ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हमारे आते हैं टीजीटी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते, कंसेप्ट होगा वहाँ पर क्वेश्चंस में, ये हमें समझना है। अच्छा एक चीज़ और, जैसा कि देखो हमने लास्ट क्वेश्चन जो हमने कराया 10 इनवर्स वाला, देखिए इनमें थोड़ा सा ना जितना आपको क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कर लेंगे उतने ही कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और उतने ही इजी तरीका से आपको उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब इसमें एक और कौन सा मेथड है जिससे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, सेकेंड आपका ये है कि यू एन आपको कॉस इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स 1 अपॉन एन है, तो आप वी एन चूज कर लीजिए, वी एन यहीं पर चूज कर लीजिए 1 अपॉन एन की पावर 0, 1 अपॉन एन की पावर, आपको यहाँ पर बता दूँ सिग्मा 1 अपॉन एन की पावर पी, ये हमारा होता है ऑक्सिलरी सीरीज टेस्ट। क्या होता है? ऑक्सिलरी सीरीज टेस्ट। ये क्या कहता है कि अगर पी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो सी मतलब कन्वर्जेंट, और यदि पी का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है मतलब डाइवर्जेंट, राइट। अगर आपने ये चूज कर लिया तो कंपेरियन टेस्ट क्या कहता है कि आप जो है यू एन अपॉन बी एन निकालिए, यू एन अपॉन वी एन का लिमिट निकालिए,
तो ये हमें कितना मिलेगा, लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी। भाई ये तो हमारा इनडायरेक्टली बनी है ना, ये बनी है ना, तो हमें क्या मिलेगा, कॉस इनवर्स वन बाई एन मिलेगा। इसका मीनिंग क्या है, ये हमारा आ गया पाई बाई टू। इसका मीनिंग क्या है, ये हमारा फाइनाइट और नॉन जीरो आ गया, फाइनाइट एंड नॉन जीरो हमको मिल गया, राइट। तो अब हमें वी एन बताएगा कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट, और वी एन कैसा है, डाइवर्जेंट है, क्योंकि पी कैसा है, पी हमारा कैसा है, जीरो लेस देन वन है, तो ये डाइवर्जेंट हो गया किससे, ऑक्सिलरी से, ये डाइवर्जेंट ऑक्सिलरी से। तो वी एन जैसा होगा वैसा यू एन होगा, तो वी एन डाइवर्जेंट तो यू एन भी डाइवर्जेंट, ये हमें समझना है। इसका मीनिंग क्या, डाइवर्जेंट, राइट। और जो हमने लास्ट क्वेश्चन कराया उसको भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, कि जैसे लास्ट क्वेश्चन में यू एन कितना था हमारा, टेन इनवर्स वन बाई एन, तो आप इसकी सीरीज को ना एक्सपेंड करके, सीरीज को एक्सपेंड मत कीजिए, डायरेक्ट आप वी एन को चूज कर लीजिए वन अपोनेंट। क्यों चूज किया आपने वन अपोनेंट, आप पूछेंगे यू क्यों चूज किया, ये हमें इस प्रकार चूज करना होता है कि यू एन अपॉन वी एन, यू एन अपॉन वी एन का जो लिमिट है, यू एन अपॉन वी एन का जो लिमिट है वो आपका फाइनाइट और नॉन जीरो आना चाहिए था, फाइनाइट और नॉन जीरो। तो ये हमारा कितना आएगा, ये बनाएगा फाइनाइट नॉन जीरो, तो अब ये बताएगा कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, डाइवर्जेंट, किससे, कंपेरियन टेस्ट से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को मैं रफ करने जा रहा हूँ, इसको हम रफ कर दे रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। सीरीज हमें गिवन है, इस बार हमने लॉन्ग क्वेश्चन लिया है, इसमें कि हमारा एक्स भी आ रहा है, साथ साथ एक्स वाले क्वेश्चन हमने नहीं कराए थे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 2 + 3/2x + 4/3x2। अगर हम इसका nth टर्म निकालें तो un निकालें तो हमारा क्या, हमें क्या मिलेगा भाई, ऊपर तो हमारे स्टार्ट हो रहा 2 से, 2 3 4 मतलब नेचुरल नंबर है, लेकिन स्टार्ट हो रहा 2 से, किससे हो रहा 2 से, तो ये हमें बन जाएगा n + 1। भाई n का वैल्यू 1 डालेंगे तो 2 में मिल जाएगा, 2 डालेंगे तो 3 मिल जाएगा, और नीचे 1 2 3 आ रहा नेचुरल नंबर मींस n, और x की पावर यहां से स्टार्ट हो रहा, यहां पर पावर कितनी है 0, तो हमें लिखना होगा x की पावर n - 1। तो 1 डालेंगे तो 0, 2 तो 1, 3 तो 2, राइट। हमने यू एन हमने फाइंड कर लिया, यू एन फाइंड करने के बाद हम यहाँ पर डी लंबर रेशियो टेस्ट पढ़ रहे हैं, तो हमें यहाँ पर यू एन प्लस 1 हमें निकालना होगा, यू एन प्लस 1, तो ये हमारा हो जाएगा एन प्लस 2 अपॉन एन प्लस 1 इंटू एक्स की पावर एन, राइट। अब हम निकालेंगे यू एन अपॉन यू एन प्लस 1, इसी का तो लिमिट हमें निकालना होता है, तो ये हमारा जाएगा एन प्लस 1 अपॉन एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1, और इसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई, मतलब जो नीचे है वो ऊपर जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे आएगा, ये तो हमें करना होगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हाँ राइट ठीक है, तो ये हमें मिल गया यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन प्लस 2, और इससे ही हमारा कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स हमको मिल जाएगा, राइट। एन माइनस 1 पावर कैंसिल हो जाएंगी, मतलब माइनस कर देंगे तो हमें 1 अपॉन एक्स हमको मिल जाएगा। अब इसका लिमिट हम निकाल लेंगे, तो लिमिट हमें कितना मिल जाएगा इसका, देखिए लिमिट ऑफ यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 हम निकालेंगे, तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, देखिए लिमिट निकालेंगे तो आप यहाँ से एन को मान लेंगे, यहाँ से तो एन स्क्वायर बाहर आएगा, और ये हमको मिल जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एन का होल स्क्वायर, और यहाँ से हमको मिलेगा एन तो हमारा बाहर ही है, यहाँ से जब हम एन को मान लेंगे तो 1 प्लस 2 अपॉन एन, और ये हमको मिल जाएगा 1 अपॉन एक्स, राइट। तो एक एन तो हमारा बाहर था, एक एन हमने कॉमन लिया तो एन स्क्वायर हो गया, इससे हमारा ये कैंसिल हो गया। अब समझते रहे ना, अच्छा और इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये हमारा कितना हो गया 1 + 0 मतलब 1, ये भी 1 + 0 मतलब 1, हमें मिल गया 1 / x। ध्यान से देखिए आप, अब डीएलएमबर्ट रेशियो टेस्ट के हमारा क्या कहता है कि अगर मान लीजिए इफ 1 / x > 1, अब ये कब पड़ा होगा इससे भाई, जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वालिटी हमारी चेंज हो जाएगी, इट इंप्लाइज, और इसका मतलब क्या होगा, एक्स इज लेस देन 1, एक्स लेस देन 1, तो ये हमारा हो जाएगा कन्वर्जेंट, क्योंकि ये हमारा इसको हमने ग्रेटर देन 1 लिया है ना, और इफ 1 / x > 1, और ये कब होगा, ये कब पॉसिबल होगा, जब x बड़ा होगा 1 से, इसका मीनिंग क्या है, हमारी सीरीज हो जाएगी डाइवर्जेंट, राइट। और यदि मान लीजिए 1 / x = 1 है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग हो गया x बराबर 1 मीन्स टेस्ट हो गया फेल। अब यहाँ से आपको समझना है, देखिए अगर हम इन क्वेश्चनों को करने बैठे ना, तो मात्र ही मैं आपको बता रहा हूँ 50 सेकंड के अंदर हम सॉल्व कर देंगे इसको, लेकिन समझाते तो टाइम लग जाता है, डायरेक्ट स्पीड से निकालते हैं, बहुत स्पीड से हमें करना होता है, हमें TGT PGT एग्जाम्स हमें निकालने हैं, तो हमें वहाँ पर स्पीड बनानी होगी, अपनी स्पीड बहुत ज़रूरी है भाई, स्पीड का होना बहुत ही ज़रूरी है। एक पेज को आप
30 से 40 सेकेंड के अंदर भर पानी चाहिए, स्पीड से सॉल्व करना आप, ये बहुत ज़रूरी है भाई। देखिए अब हमको क्या करना है कि एक्स पावर वन पर हमारा टेस्ट हो जाता है फेल, फेल हो जाता है, तो आपको यहाँ यू एन को फिर से याद कर लेना है, यू एन, यू एन को आपको फिर से याद करना होगा। और देखिए यू एन में जैसे ही हम एक्स को वन पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यू एन हमको मिल जाएगा एन प्लस वन अपॉन एन। और जैसा कि मैंने अभी बताया था कि हमें इसकी लिमिट डायरेक्ट लेके देख लेनी है, अगर नॉन जीरो आएगा तो डाइवर्जेंट हो जाएगा, इसीलिए हम बोल लेते राइट। अगर हम यहाँ पर वैसे तो इसको कंपेरिजन से कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ हमें इसकी कभी कभी हम इसकी लिमिट लेके चेक कर लेते हैं। लिमिट ऑफ यू एन लेंगे तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ से एन कॉमन ले लेंगे तो वन प्लस वन अपॉन एन अपॉन एन, ये हमारा क्या हो जाएगा वन प्लस जीरो मीन्स वन, और कैसा है नॉन जीरो है, और नॉन जीरो इसका मीनिंग क्या है, लिमिट ऑफ यू एन हमारा नॉन जीरो है, इसका मीनिंग क्या है, ये एक्स बराबर वन के लिए डाइवर्जेंट हो गया, और डाइवर्जेंट हो गया तो डाइवर्जेंट पर इक्वल का साइन लगा देंगे और यही हमारा कंप्लीट फाइनल आंसर होगा। डाइवर्जेंट पर इक्वल का साइन लगा देंगे ये वाला, और ये हमारा फाइनल आंसर, ये हमें चेक करना। अगर आप इससे नहीं करना चाह रहे, इससे नहीं करना चाहते मान लीजिए आप, तो आपको क्या करना होगा यहाँ पर, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आप देखिए अगर आप इससे नहीं करना चाहते हैं तो इसको हम ड्रॉप कर दे रहे हैं, तो आपको यहाँ लगाना होगा, अप्लाई करना होगा आपको कौन सा, कंपेरिजन टेस्ट। कंपेरिजन टेस्ट में हम क्या करते हैं कि वी एन हमें चूज करना होता है भाई, यू एन कितना हमारा एन प्लस वन अपॉन एन, तो वी एन हम कैसे चूज करते हैं, वन अपॉन एन की पावर आता है, एन की पावर क्या आएगी यहाँ पर, एन की पावर कैसे आएगी, इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर की पावर कितनी है जीरो, डिनोमिनेटर की पावर सॉरी वन वन, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो हमको यहाँ लिख देना है। ये होता है तरीका वी एन को चूज करने का। फिर हम निकालते हैं क्या, लिमिट ऑफ यू एन अपॉन वी एन राइट, तो ये हमारा सिस्टम बना है, तो इसके मीनिंग क्या, हमें मिल जाएगा लिमिट एन प्लस वन अपॉन एन, वन आएगा फाइनाइट नॉन जीरो हो गया, वी एन बताएगा कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, और वी एन किससे हो जाएगा, वी एन बाई ऑक्सिलरी सीरीज टेस्ट से, पी कितना हमारा पी जीरो है, और पी जीरो कैसा है लेस देन वन, वी एन हमारा कैसा है डाइवर्जेंट है, ये वी एन हमारा डाइवर्जेंट है, तो यू एन हमारा डाइवर्जेंट। इस प्रकार हमें सॉल्व करना होगा इस क्वेश्चन को राइट। बताइए ये किस प्रकार की सीरीज है, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट, एक मिनट के अंदर सॉल्व हो जाना चाहिए। ये हमारा यू एन कितना गिवन है भाई, यू एन हमको गिवन है थ्री एन प्लस वन अपॉन फोर एन प्लस थ्री, ऐसे क्वेश्चन हमको मिल सकते हैं टी डिग्री एग्जाम्स में राइट। लिमिट ऑफ यू एन निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, एन यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा थ्री प्लस वन अपॉन एन, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे एन तो फोर प्लस थ्री अपॉन एन, तो ये कितना हो गया हमारा थ्री प्लस जीरो अपॉन फोर प्लस जीरो, इसका मीनिंग क्या थ्री बाई फोर, इसका मीनिंग क्या, ये हमको नॉन जीरो मिल गया। लिमिट ऑफ यू एन नॉन जीरो मीन्स सीरीज हमारा कैसा हो गया डाइवर्जेंट। ये आपको ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है एग्जाम में राइट। देखिए स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन लिया टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज एक्स अपॉन वन इंटू टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू इंटू थ्री एक्स क्यू अपॉन थ्री इंटू फोर। देखिए इस क्वेश्चन को तो हम सॉल्व करेंगे। देखिए जब भी हमारा सीरीज में एक्स आएगा तो इसका मीनिंग क्या, हमें वहां पर डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट ही अप्लाई करना है अगर एक्स आ गया तो। अगर एक्स नहीं आया तब भी हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर एक्स आ गया तो हमें 100% अप्लाई करना पड़ेगा, फिर हम बिना डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट के हम उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे राइट। अब देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको डायरेक्ट मैं आपको बता दूं, इसमें हमें बहुत सारे कंसेप्ट हमें समझने होते हैं कि जब भी देखिए हमें फंक्शन हमें यूएन हमको इस प्रकार दिया हुआ है कि उसकी जो पावर है वो एन है। जैसे मान लीजिए हमें इस प्रकार दिया है एन की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल, तो यहाँ पर जो पावर है वो एन आ गया, तो हमें इस केस में लगाना चाहिए कॉची रूट टेस्ट। कौन सा, कॉची रूट टेस्ट, ये कॉची रूट टेस्ट से होगा हमारा राइट। अगर मान लीजिए हमें इस प्रकार से हमको गिवन है भी एन स्क्वायर प्लस वन अपॉन एन क्यू प्लस वन, तो जब भी हमें जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो हमारे दोनों की डिग्री हम क्लियर आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, मतलब ये हम चेक कर पा रहे हैं कि अंश और हर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री हमारी क्या है, उसकी घात कितनी है, पावर कितनी है, तो हमें लगाना चाहिए कंपेरिजन टेस्ट। और कंपेरिजन टेस्ट के हमें क्या करना होता है कि हमें वी एन हमें चूज करना होता है, लेकिन आप वी एन चूज मत कीजिए, वो हमने प्रॉपर मेथड तो हमने आपको बता दिया। अगर न्यू डिनोमिनेटर में से भाई ये डिनोमिनेटर है, इसको हम हर बोलते हैं, इसको न्यूमरेटर है, इसको हम क्या बोलते हैं अंश राइट, इसकी डिग्री कितनी है हमारी टू, इसकी कितनी है थ्री, तो यदि इन दोनों का डिफरेंस है थ्री माइनस टू कितना गया वन, अगर ये लेस देन बनाता है तो डाइवर्जेंट होगा, कैसा था
वन और लेस देन वन आता है तो डाइवर्जेंट। इसका मीनिंग क्या, बनाया लेस देन वन और वन और लेस देन वन आता है तो ये डाइवर्जेंट होगा राइट, और ग्रेटर देन वन आता है तो कन्वर्जेंट होता है। इस चीज को आप याद कर लीजिए एकदम। ऐसे मान लीजिए अगर मैं लिखते हैं यहाँ पर वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन, तो ये कैसी होगी, देखिए न्यूमरेटर में पावर कितनी है जीरो और डिनोमिनेटर की पावर कितनी है टू, इसका मीनिंग क्या, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया टू माइनस जीरो टू आ गया, तो ये 100% कन्वर्जेंट होगी। आप निकाल लीजिए कंपेरियन टेस्ट से, आप निकाल लीजिए ये कन्वर्जेंट होगा। अगर मान लीजिए मैं इस पर कर लेता हूँ वन अपॉन एन इंटू एन प्लस वन, ये भी कन्वर्जेंट होगा। वन अपॉन ऐसे लिखते हैं रूट एन अपॉन एन इंटू एन प्लस वन, तो यहाँ कितना है वन बाई टू, यहाँ कितना है टू, तो टू माइनस वन बाई टू थ्री बाई टू, कैसा ग्रेटर देन वन, तो ये कन्वर्जेंट होगा। ये भी कन्वर्जेंट, ये भी कन्वर्जेंट, ये सब हमारे कन्वर्जेंट होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए बाई चांस अगर मान लीजिए हमको ये मिलता है वन अपॉन एन, ये डाइवर्जेंट होगा। वन अपॉन रूट एन, ये भी डाइवर्जेंट होगा। क्यों, ये जीरो, ये वन, वन माइनस जीरो वन हमें मिला, इसका मीनिंग क्या, लेस देन और इक्वल टू बनाए तो डाइवर्जेंट। यहाँ पर कितना है पावर वन बाई टू, तो ये भी डाइवर्जेंट, क्योंकि यहाँ कितना है जीरो, यहाँ पर वन, वन माइनस जीरो वन बाई टू, सॉरी वन बाई टू यहाँ पर, तो वन बाई टू माइनस जीरो वन बाई टू लेस देन वन तो डाइवर्जेंट। ये बहुत सारे पॉइंट्स हमें समझने होंगे कि कब हमारा डायरेक्ट हम चेक कर पाएंगे कि हमारी जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है यहाँ पर डाइवर्जेंट। डायरेक्ट हमको चेक कर पानी चाहिए कि कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट। ऐसा हम क्यों बता रहे हैं कि हमारा जब इसमें एक केस बनेगा, देखिए जब भी हम डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट हम अप्लाई करते हैं तो हमारा वहाँ पर वन अपॉन एक्स बनता है राइट, और जब हमारा एक्स बराबर वन होता है तो टेस्ट हमारा फेल हो जाता है। अभी कराने वाले हैं, देखिए अभी आप समझ जाएंगे। यू एन कितना आएगा भाई, हमें यू एन मिल जाएगा वन से स्टार्ट हो रहा है, तो एक्स की पावर एन ओवर वन टू थ्री है, तो मतलब एन टू थ्री फोर मतलब एन प्लस वन राइट। अगर हम निकालते हैं यू एन प्लस वन, डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट ही अप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हमें मिलेगा एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू राइट। तो अगर आप निकालेंगे यू एन अपॉन यू एन प्लस टू यू एन प्लस वन, तो ये हमें मिल जाएगा एक्स की पावर एन ओवर एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू अपॉन एक्स की पावर एन प्लस वन राइट। तो ये हमको कितना मिल जाएगा, लिमिट ले लेंगे हम यहाँ पर, तो लिमिट लेंगे तो हमें ये मिल जाएगा यू एन अपॉन यू एन प्लस वन बराबर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन प्लस वन से एन प्लस वन हमारा कैंसिल हो गया, तो ये मिल जाएगा एन प्लस टू ओवर एन इंटू वन अपॉन एक्स, क्योंकि हमारा एक्स की पावर एन कैंसिल हो जाएगा राइट। तो यहाँ से जब हम एन कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो ये हमें कितना मिल जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन कॉमन ले लेंगे वन प्लस वन अपॉन टू सॉरी टू अपॉन एन इंटू वन अपॉन एक्स, ये तो हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये हमारा जीरो हो गया, ये हो गया वन अपॉन एक्स, और वन अपॉन एक्स बड़ा है वन से मीन्स एक्स छोटा है वन से, तो सी मतलब कन्वर्जेंट, सी का मतलब क्या कन्वर्जेंट, और वन अपॉन एक्स यदि छोटा है वन से इट इम्प्लाइज एक्स बड़ा है वन से मतलब डाइवर्जेंट, और यदि वन अपॉन एक्स बराबर वन है इसका मीनिंग क्या है एक्स बराबर वन, तो हमारा हो जाएगा टेस्ट फेल। अब टेस्ट फेल करने के बाद हमें ये समझना होता है कि टेस्ट तो हमारा फेल हो गया, स्पीड के साथ सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। जब एक्स का वन होगा तो हमें यहाँ पर पुट करना होगा, एक्स का वैल्यू वन पुट करेंगे तो यू एन कितना हो जाएगा हमारा, यू एन हो जाएगा एक्स की पावर एन मतलब वन की पावर एन मतलब वन हो गया, एक्स का वैल्यू वन पुट करना है यहाँ पर, तो वन अपॉन एन इंटू एन प्लस वन, देखिए पावर कितनी है हमारी न्यूमीटर की दो, तो कन्वर्जेंट हो गया। और इसी से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पहले ही हम आइडिया लगा लेते हैं जब एक्स वन होगा तो हमारा जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है, और इसका मीनिंग क्या, इक्वल वाले पर कन्वर्जेंट होगा, तो जहाँ पर इक्वल का साइन आता वहाँ पर हम जो है उस ऑप्शन को हम चूज कर लेते, लेकिन कन्वर्जेंट भी हमको चेक करना पड़ता है हल्का सा, क्योंकि भी ऐसे तो सकता है इक्वल का साइन वैसे भी हो सकता है कि एक्स बड़ा वन से कन्वर्जेंट अगर मान लीजिए यहाँ पर आ गया तो हमें मतलब, लेकिन हम जो है एक्स इक्वल टू वन के लिए हम डायरेक्ट चेक कर पाएंगे कि एक्स इक्वल टू वन के लिए कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट। और ऐसा भी पूछ सकता है आपसे कि जब एक्स का वैल्यू बने तब कैसे हो कन्वर्जेंट हुआ डाइवर्जेंट, तो ये हमारा सीरीज हो जाएगा कन्वर्जेंट राइट। इस प्रकार हमें सॉल्व करना होगा, फाइनल आंसर हमारा ये आ गया, मतलब x की लेस देन वैल्यू के लिए तो था ही कन्वर्जेंट, लेकिन जब x की वैल्यू 1 है तब भी हमारा सीरीज कैसा होगा कन्वर्जेंट, तो यहाँ पर इक्वल का साइन लगा देते हैं हम, ये लगा देते हैं, और x ग्रेटर देन 1 के लिए कैसा है डाइवर्जेंट। ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और देखिए जो भी क्वेश्चंस आपको पूछने हैं वो आप हमें सेंड कर सकते हैं, कमेंट आप कर सकते हैं, उनमें हम उन क्वेश्चंस का सॉल्व करेंगे और वीडियो बनाकर डाल देंगे राइट। जो भी क्वेश्चंस आपको पूछना हो इनफाइनाइट सीरीज में से, ट्रिग्नोमेट्री में से, एजम्प्टूट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री, और
आपका नेक्स्ट आप बहुत सारे टॉपिक हैं आपके बीएससी के, उनमें सभी में से हम चाहेंगे अगर आप भेजेंगे क्वेश्चंस को कमेंट में लिखेंगे तो हम सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे, राइट। और आपका ग्रेडियंट डाइवर्जेंस जो कि आपके पीजीडी के टॉपिक हैं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।